नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सातवां सूत्र में इजी वैदिक मैथमेटिक्स का, जहां पे मैं बहुत ही आसानी से डिस्कस करता हूं जो बेसिक सूत्र है वैदिक मैथमेटिक्स का, जिसको आप काम में लगा सकते हैं। तो सातवां सूत्र है सोपन तद्वा यमंतयम। प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है, ना कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका बस मतलब पता कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सोपन तद्वा यमंतयम, इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये कुछ ऐसा आता है, मैं इसको मैथमेटिकली लिख देता हूँ। तो सोपन तत्व यमंतयम का मतलब है अल्टीमेट प्लस टू टाइम्स पेनल्टीमेट, यानी कि अल्टीमेट डिजिट को हम उसके पेनल्टीमेट डिजिट से जोड़ेंगे। अब अल्टीमेट पेनल्टीमेट का मतलब अगर आपको पता ना हो तो अल्टीमेट मतलब आखिरी। जैसे मैं अगर बात करूं हमारा पूरा इंग्लिश अल्फाबेट का, सो ए से लेके बी से लेके जेड तक, ये जो जेड है यह है अल्टीमेट लेटर इंग्लिश अल्फाबेट का। तो पेनल्टीमेट क्या होगा? पेनल्टीमेट होगा उसके जस्ट आगे जो लेटर है वाई, इसको ही हम पेनल्टीमेट कहते हैं। पेनल्टीमेट मतलब हमेशा अल्टीमेट के एक आगे। तो अल्टीमेट प्लस ट्वाइस ऑफ पेनल्टीमेट, यह है पूरा टेक्निक सॉल्व करने का। अब हम जान लेते हैं कि इसको हम अप्लाई कहां पे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो इसको आप मल्टीप्लीकेशन के लिए काम में लगा सकते हैं। कैसा मल्टीप्लीकेशन? देखिए, हमने जाना जो एका न्यू नैना पुरवेना है, उसको आप एप्लीकेशन में लगा सकते हैं 999 वगैरह से मल्टीप्लाई करने के लिए। व्यष्टि समंज थी, आप एप्लीकेशन में लगा सकते हैं 11111 वगैरह से मल्टीप्लाई करने के लिए। सोपन तद्वा यमंतयम आप लगा सकते हैं 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस है। तो 12 से अगर आपको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो सोपन तद्वा यमंतयम इज द टेक्निक। तो हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि कैसे करना है। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा। हमारे पास ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल है, 54236 को हमने 12 से गुणा करना है। जब ही आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 12 से, आप कुछ भी नहीं देखना, बस सोपन तत्व यमंतयम अप्लाई कर देना। तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। सबसे पहले सोपन तत्व यमंतयम और व्यष्टि समंस्थि में जो डिफरेंस है वो बस यही कि आपको शुरू करने से पहले ये जो पूरा नंबर है इनको दो जीरो के बीच में बिठा देना होता है। ये रूल है, क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। तो अभी क्या होगा ना, अभी जीरो होगा अल्टीमेट डिजिट और सिक्स होगा पेनल्टीमेट डिजिट टू स्टार्ट विद, यानी कि हम करेंगे जीरो प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्स। अब मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले करना है तो 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 12 प्लस 0, यानी कि अब लिखेंगे पहले 12 का 2, कैरी आ जाएगा आपका 1। उसके बाद क्या होगा, 0 का काम खत्म, अब 6 होगा अल्टीमेट डिजिट और 3 होगा पेनल्टीमेट डिजिट। तो अल्टीमेट प्लस ट्वाइस ऑफ पेनल्टीमेट यानी कि 6 प्लस 2 टाइम्स 3, तो 2 टाइम्स 3 होगा 6, 6 प्लस 6 होगा 12 और 1 कैरी था ऑलरेडी, सो 12 प्लस 1 होगा 13, आप लिखेंगे 3, फिर से कैरी 1। अब आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि आपके पास है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 है 4, सो 3 प्लस 4 होगा 7, 7 प्लस 1 होगा आपके पास 8। अब आपके पास क्या होगा, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आपके पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 होगा 8, 8 प्लस 2 होगा 10, सो 10 कोई भी कैरी नहीं है आपके पास फिलहाल, तो 10 का आप लिखेंगे 0 और कैरी हो जाएगा 1 फिर से। अब आ जाएगा आपके पास 4 अल्टीमेट डिजिट के नाम पे, 5 आएगा पेनल्टीमेट डिजिट के नाम पे, सो 4 प्लस 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 होगा 10, 10 प्लस 4 होगा 14, 14 और आपके पास 1 ऑलरेडी कैरी था, सो 14 प्लस 1 होगा 15, आप लिखेंगे 5, आपके पास फिर से 1 कैरी आएगा और आखिरी में 5 प्लस 2 टाइम्स 0, अब 0 से कुछ भी आप मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही होने वाला है, तो 5 प्लस 2 इंटू 0 होगा 5 और 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। तो अब देखिए पूरा जो नंबर है 54236, इसको आपने क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया 650832। तो ठीक इसी तरीके से आपको किसी भी प्रॉब्लम करना है, याद रखिएगा इसको करने का जो स्टेप 1 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0 दो 0 के बीच में आपको पूरा नंबर लाना है। तो यही था आपका सोपन तद्व यमंतयम। आशा करता हूँ आपको इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं एक और एग्जांपल आपके लिए कर देता हूँ। सपोज आपके पास कुछ ऐसा है, सपोज आपके पास 4218 टाइम्स 12 करने के लिए दिया है, 12 से मल्टीप्लाई या देख के ही आप सोपन तद्व यमंतयम लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे,
सबसे पहला स्टेप जो है स्टेप वन, इनको जीरो के बीच में पुट करने का। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीएसटी समंस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा आदत सी पड़ सकती है कि आप ये जीरो ना डालें और डायरेक्टली चालू कर दें, उस क्षेत्र में जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो हम पहले जीरो से शुरू करेंगे, तो जीरो प्लस टू टाइम्स एट होगा 16, 16 लिखेंगे, वन कैरी में रहेगा। उसके बाद आएगा 8 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 होगा 11, फिर से कैरी 1। अब आ जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स 2 यानी कि 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 होगा 5 और 5 प्लस 1 होगा 6, आपके पास कोई भी कैरी नहीं होगा। तो 2 प्लस 2 इंटू 4 जो होगा आपके पास 4 इंटू 2 है 8, 8 प्लस 2 होगा 10, कोई भी कैरी नहीं है तो 0 लिखेंगे, कैरी 1। और आखिरी में 4 प्लस 2 इंटू 0, तो 4 प्लस 2 इंटू 0 होगा 4 और आपके पास 1 है तो आ जाएगा 5। सो 4218 मल्टीप्लाइड बाई 12 होगा आपके पास 50616। ऐसे ही करके आप किसी भी प्रॉब्लम जिसको 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं जो आप घर पे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस करने का जो फ्लुएंसी हो बढ़ेगा। देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स को सफल करने का टेक्निक सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं। तो आपको हमेशा बस प्रैक्टिस करते रहना है और प्रैक्टिस में रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम में या सिर्फ मैथ करते वक्त आप वैदिक मैथमेटिक्स का याद करें। अगर करना हो तो आपको, अगर याद करना है तो कहीं भी, बाजार में जाए, किसी ग्रोसरी स्टोर में जाए, किसी भी दुकान में जाए, किसी भी तरीके का अगर आपको कैलकुलेशन हिसाब किताब करना है, आप जरूर ध्यान रखिए कि मेरे पास वैदिक मैथमेटिक्स का ये अस्त्र है। कोई अगर आपके पास अस्त्र है, इसको इस्तेमाल करने का एक ही टेक्निक है क्या? प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस परफेक्ट करेंगे तो आप अस्त्र को उतना ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मेथड परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, ये मेथड्स आपको काफी ज्यादा फास्ट कर देता है कैलकुलेशंस। अदरवाइज तीन प्रॉब्लम्स आपको मैंने दिया, आप ये घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हैं और आंसर चाहे तो कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं या फिर खुद भी लिख के मिला सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।